स्कूल से और स्कूल आने के बाद देखिए यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय, और आप इन चीज़ों को माइंड मत कीजिएगा। ये थोड़ा सा उफान आ गया था तो प्लीज़ अभी थोड़ी देर फ्रिज से कुछ सामान लाने के लिए, और ये इतने में उफान आ गया था, फिर अब गैस कर दिया कम, और साथ के साथ यहाँ पर ये क्या बन रहा है, मखाना। मखाने बुन रही हूँ मैं, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, और पानी के भी। तो जैसे मैं स्कूल से आई अभी तो सोचा चाय के साथ थोड़ा थोड़ा ये भी बना लूँ, और फिर पानी भी खा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और स्कूल में कैसा रहा आपका दिन? स्कूल में बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज लाइट नहीं थी, गर्मी से बहुत बुरा हो गया। पानी तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, बार बार स्कूल दो तीन बार गई आज वाणी स्कूल। ऑनलाइन आ गया है कुछ सामान, देखिए ऑनलाइन सामान आ गया है मेरा, देखिए मेरा नहीं सॉरी इनका है। ये क्या मंगवाया था इन्होंने? एड़ा था मंगवाई रखी, यस यस, ये तो साइज छोटा हो गया, डोर की मेट मैटें लग रही हैं। अच्छा है तो देखिए आजकल क्या नहीं मिल सकता है ऑनलाइन, हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पर। इन्होंने देखिए इनके घर का शीशा टूटा हुआ था तो ये भी देखिए ऑनलाइन आ गया। अच्छा नया लगाना है, ठीक है भैया। आइसक्रीम गल रही है आपकी ना, खा लो इसको फटाफट। इस आगे भी हमें कंटिन्यू बने रहिएगा, अब आप लोगों को मैं सैर करवाऊंगा गांव में, और गांव में अर्जेंटली हमें क्यों जाना पड़ा क्योंकि प्रियंका अभी अभी स्कूल से आई थी, फिर चाय और मखाने हमने एंजॉय किए, और फिर 10-15 मिनट के बाद अब गांव की तरफ निकल रहे हैं। गांव में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप लोगों के साथ बताएँगे उस काम को, तो ये जानने के लिए आप लोगों को आगे भी ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और ब्लॉग में बने रहने के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है बातें, कुछ होते हैं ऐसे व्यूअर्स जो आधे ही ब्लॉग को देखते हैं, और जो आधी प्यारी यूट्यूब फैमिली है वो पूरे पूरे ब्लॉग को इन्जॉय करती है और अच्छे अच्छे कमेंट भी हमें करती है, पता चल जाता है। बाकी मेरा ऐसा बोलने से किसी को ठेस पहुँचाना मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात सच है तो मैं हमेशा मतलब एकदम फ्रेंकली बात करता हूँ, और डायरेक्ट बात मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हर एक चीज़, क्योंकि कईयों के पास प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बेचारे देखिए इंटरनेट बचा बचा के मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं, और कईयों के पास खुला होता है इंटरनेट, वो काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करते हैं, और बाकी कुछ बोर भी हो जाते हैं, सच्ची में हम भी हो जाते हैं बोर अगर हम किसी क्रिएटर का वीडियो देखते हैं, तो जब बोर हो जाते हैं तो हम स्किप करके नेक्स्ट किसी वीडियो के ऊपर मूव हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं सभी। तो खैर ये तो आप सभी लोगों के साथ गपशप लगा ली मैंने यहाँ पे, और अब आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रंट व्यू किस तरह से दिखता है अब काउ शेड का। तो जो आप लोगों को दिखाया था हमने लोहे के जो पार्ट लेकर आए हुए थे, देखिए बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लेकर आए हुए थे, साथ के साथ सीढ़ियाँ हैं और बड़ा सा गेट है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लगा रहे हैं हम। वेल्डर आया हुआ था तो वो एडजस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद एडजस्ट करने के बाद मिस्त्री भी आया हुआ है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पर मतलब क्रोचें वगैरह लगेगी लोहे की तो वहाँ पर फिर से हम प्लास्टर करवाएंगे अच्छे से। तो ये था वो इम्पोर्टेंट काम जिसकी मैं बात कर रहा था। तो स्कूल से आने के बाद मैं और प्रियंका गांव में आ गए, और गांव में आकर के देखिए पेरेंट्स की हेल्प भी हो जाती है, जितने में मम्मी और पापा यहाँ पे देखेंगे कौशल के काम को तो उतने में हम घास वगैरह अरेंज कर लेंगे। और आप लोगों के साथ प्रीवियस 2-3 दिन पहले मतलब हमने ब्लॉग डाला हुआ था ऑलरेडी कि हम एक नई भैंस को खरीदने जा रहे थे, तो हम नई भैंस को भी खरीद करके ले आए हैं, बहुत ही जल्द मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हालांकि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगी एज कंपेयर किया जाए अपने गांव के हिसाब से, तो शायद सबसे महंगी भैंस मुझे लगता है कि हम ही लेकर आए हुए हैं, किसी और की भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक बड़प्पन दिखा रहा हूँ कि सबसे महंगी हमारी ही है, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मतलब प्राइस बताया हुआ है तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी वो भैंस। हालांकि जो उसकी नस्ल है वो काफ़ी अच्छी है और दूध वगैरह भी ठीक ठाक देती है, बहुत दूध देती है भैंस।
तो चलिए ओवरऑल लुक भी मैं दिखा लेता हूँ काउ शेड अब किस तरह का दिख रहा है। बाकी काउ शेड के बाहर भी हमने एक एरिया बनाया हुआ ताकि गर्मियों के टाइम हम पशुओं को यहाँ पे बांध सके अच्छे से। अब काम हो गया है कंप्लीट, तो उसके बाद जो जो ये इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए यहाँ पे, तो ये सारे के सारे वॉश कर लिए, क्योंकि अगर सीमेंट इनमें रह जाए तो सूख के ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और ये भी आपके उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहते हैं काम करने के लिए। तो ये सारे के सारे अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं। अब चलते हैं सीधे घर की तरफ ऊपर को। गोलू बाणी को मैं स्कूल से लेकर आ रहा था, तो बीच रास्ते में मेरे को भैया मिल गए। आपसे भी मिलवाऊंगा, वार्तालाप करवाऊंगा क्या करते हैं वो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे जिस तरह से उन्होंने मुझे दिखाया, तो थोड़ा सा सैंपल मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो ये देखिए, ये है, ये भाई ने बनवाए हुए हैं यहाँ पे। तो भाई बोलते हैं कि जो भी आपके घर में पुराना कपड़ा होगा तो आप अगर मुझे 2.5 किलो कपड़ा दे दोगे तो इस तरह से मैं आपको बना के दे दूँगा। तो भाई क्या है आप बताएँगे प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा सा। ये बनता है फटे पुराने कपड़े का। ये लो माइक में। आधे किलो कपड़ा लगता है इसमें। अच्छा, पुराना कोई भी कपड़ा हो, जिनकी पैंट वगैरह, स्वेटर, खिंदे खुंदे सब चल जाते हैं। अच्छा, बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के बनता है फटे पुराने कपड़े का, जो जिनकी पैंट है, खिंदे खुंदे वगैरह, चुन्नी वगैरह, लेडीज सूट सब चल जाती है। अच्छा, 2.5 किलो कपड़े बन जाएंगे 5 पीस। अच्छा, 2.5 किलो कपड़े के 5 पीस बन जाएंगे। अच्छा, तो ये जो डिजाइन वगैरह है ये 2.5 किलो कपड़े में आप तैयार करवा देते हो? हाँ, बनाने वाले होते हैं कारीगर। अच्छा, हम तो ऑर्डर लेने वाले जो होते हैं लेके जाएंगे, पहुंचा के जाएंगे सामान। अच्छा अच्छा, तो ऐसे क्या गारंटी रहेगी कि अगर आप कपड़ा लेके चलेंगे किसी के घर से तो आपको पर्ची देके जाएंगे? अच्छा, आप पर्ची, उसमें फोन नंबर मेंशन होगा आपका? फोन नंबर नहीं, वैसे तारीख वगैरह डालते हैं। अच्छा, जो बाद में लेंगे सामान लेके आएंगे। अच्छा, पहले तो हम कपड़ा लेके जाएंगे। अच्छा जी, पैसे बाद में लेते हैं, तो सोचो लेके भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, पैसे बाद में लेंगे, सामान आएगा आपका जब ही कपड़ा लेंगे, पैसे लेंगे। तो आप थोड़े से ये सैंपल हमें दिखा सकते हो आप अपने? हम देखना चाहते हैं और दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि आप किस तरह का काम है आपका। ये तो ये देखिए, ये भाई दिखा रहे हैं पहला सैंपल। तो 2.5 किलो जो भी फटा पुराना कपड़ा है, यूजलेस है, आपके घर में यूं ही पड़ा रहता है, मतलब एक तरह से मतलब वेस्टेज है, तो आप इसे ये बनवा सकते हो भैया से। तो अच्छा, ये बनाया आपने? हाँ। तो ये भाई कैसे कैसे किस किस जगह पर काम आ जाता है ये? ये जैसे किचन वगैरह में, जैसे बेंच वगैरह, दुकान वगैरह, कहीं भी छा दो, बरामदे वगैरह में, सारे में। अच्छा, इस्तेमाल होता है। अच्छा, देखने में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और मार्केट में तो इनके प्राइस काफी ज्यादा होंगे, है ना? वैसे मार्केट बेचेंगे तो काफी। हाँ हाँ, सेल पे बेचेंगे। अच्छा, ऐसे सेल पे, और अगर सिंगल वगैरह लेना हो तो मुझे लगता है कि 500 से कम नहीं देगा कोई भी, है ना? इससे कम नहीं, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर, महंगाई बहुत है, धागा वगैरह सारा कुछ महंगा बनता है। अच्छा, बाकी आपके हाथ की भी देखो मेहनत है ना? गाँव हो जाते हैं, फिर सामान लेके जाना, पहुँचा के जाना, छोड़ जाना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये दलीचे टाइप में बनाते हुए या दूसरे भी मुझे दिख रहे हैं कुछ? ये नेट वगैरह बनाते हैं, चादर वगैरह। अच्छा, ये किस तरह की है ये भी दिखा दो आप प्लीज। तो एक दलीचे वाला सैंपल दिखाया भैया ने, और इसके बाद ये चद्दर भी दिखा रहे हैं भाई, मैट, दीवान की मैट, और ये दीवान की मैट है, ये 500 की बनती है, इसको बोल रहे हैं भाई ये 500 की बनती है। ये देखिए, देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है हर एक आर्टिकल इनके, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी इनको देख के, तो ये लगता है कारीगर और होते हैं, कारीगर बनाने वाले मेहनत लगती है। अच्छा, कारीगर और होते हैं। अच्छा, मतलब आप माल लेके ही जाते हो सिर्फ, है ना? जाएंगे, पहुंचा के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे सामान। अच्छा अच्छा, कारीगर और रहेंगे बनाने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर भाई मिले, इन्होंने अपने आर्टिकल दिखाए, अपना काम काज क्या ये करते हैं, वो सभी सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो डियर व्यूअर्स, मैं एक अपना ओपिनियन, एक छोटा सा ओपिनियन ये भी रखना चाहता हूँ। हाँ, आजकल स्कैम बहुत ज्यादा चले हुए हैं, और डर भी लगता है कि जब कोई अननोन पर्सन आपके घर में आता है इस तरह से, तो एक तरह से रैकी वगैरह का भी रहता है, तो खतरे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं।
तो मेरा एक ये संदेश है कि प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर भी रहिएगा। बाकी मैं चाहता हूँ जिस तरह से भैया ने मेरे साथ बातचीत की, तो इनको देख के मुझे सच्ची में लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ये भाई। मार्केट वगैरह बड़े बड़े मॉल्स शॉप्स से तो हर कोई शॉपिंग कर लेता है, तो इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए हमें।